हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लेटेस्ट अपडेट बताने वाले हैं आपकी उपकेंद्र सहायक और विदुक सहायक को लेकर। एमएससी डीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डाला गया है और उस नोटिस में हमारी उपकेंद्र सहायक और विदुक सहायक के रिज़ल्ट को लेकर अपडेट है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि विदुक सहायक का रिज़ल्ट की जो परिणाम है आपको जल्द से जल्द कब इस वेबसाइट पर, जो है महावितरण की वेबसाइट पर, आपको देखने को मिले। पर दोस्तों अभी तक आपको लगभग, ये आपकी 5/2019 की भर्ती थी, लगभग इस भर्ती को 2 साल पूरे होने को हो चुके हैं। पर दोस्तों अभी तक जो है एमएससी डीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विदुक सहायक की रिजल्ट देखने को नहीं मिली है। पर दोस्तों इसी से रिलेटेड आपकी जो है एमएससी डीसीएल के वेबसाइट पर आपकी जो है विदुक सहायक रिजल्ट और मेरिट लिस्ट को एक अपडेट डाला गया है और उस अपडेट में क्या है मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपकी जो विदुक सहायक के लिए पूछताछ करना चाहते हैं कि हमारी रिज़ल्ट सर कब तक आ जाएगी, तो उस नोटिफिकेशन में एक जो है नंबर भी डाला गया है जो आप सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप कॉल कर अपनी पूछ सकते हैं कि सर विदुक सहायक की जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगी, इसके बारे में आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। और दोस्तों उस पर एक ईमेल आईडी भी मेंशन किया गया है, आप उस ईमेल आईडी से भी अपनी जानकारी पूछ सकते हैं और उधर से आपको 100% रिप्लाई आएगा। क्योंकि दोस्तों यह भर्ती 2 साल से ऊपर होने जा रही है और कैंडिडेट इस भर्ती का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि कब रिज़ल्ट आएगी, कब हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इसको लेकर कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी जो है प्रकाश जी ने प्रकाशगढ़ में हमारे एमएससी डीसीएल विदुक सहायक रिज़ल्ट के लिए एक अपडेट, एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन में जो है एमएससी डीसीएल कर्मचारी हैं उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि 20 जनवरी से पहले जो है आपकी रिज़ल्ट आएगी। उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था कि 15 दिन के अंदर, तो उसको जोड़कर दोस्तों 15 दिन जोड़ने के बाद 20 जनवरी तक जो आपकी रिज़ल्ट आने की पूरी चांसेस थी। पर दोस्तों आज हो गया 17 जनवरी, आज हो गया 17 जनवरी होने के बाद दोस्तों जो है आपकी रिज़ल्ट अभी तक इसके एमएससी डीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है। एक नोटिफिकेशन आई है, वो नोटिफिकेशन आपके लिए कोई ख़ास नोटिफिकेशन नहीं है। पर दोस्तों उस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है हम पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आपको वो नोटिफिकेशन दिखाते हैं। पर दोस्तों नोटिफिकेशन दिखाने से पहले कहते हैं, अभी तक दोस्तों आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एमएससी डीसीएल महावितरण अगर कोई भी अपडेट आती है आपकी उपकेंद्र सहायक विदुक सहायक की तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको शेयर किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन जिन महावितरण भर्ती से इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर अपडेट जानना चाहते हैं पल पल की, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आप पहले तो दोस्तों उस नोटिफिकेशन में वो नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाकर उस पर कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप तबाह उनको नहीं करेंगे, जब तक उन्हें आप परेशान नहीं करेंगे, तब तक रिज़ल्ट के लिए कोई अपडेट नहीं है। लगभग दोस्तों 3 दिन और बचे हैं, 3 दिन के अंदर रिज़ल्ट नहीं आती है तो आपको ही पता है कि फिर से प्रकाशगढ़ में एक महा आंदोलन होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आपकी उम्मीद है कि 3 दिन के पहले जो है रिज़ल्ट आ जाए। पर दोस्तों रिज़ल्ट की अभी तक कोई स्टेटस नहीं आई है, ना ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का कोई ऐसा ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि 7 दिन के बाद फैसला लिया जाएगा, पर दोस्तों क्या फैसला आता है, वो 3 दिन में उनके 7 दिन ही पूरे हो जाएंगे तो वो देखते हैं क्या फैसला आता है इसको लेकर। तो मैंने जैसे कि आप उनके ट्वीट की भी वीडियो बना के दे दी थी तो छोड़ उसको भी मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने क्या ट्वीट किया था। उम्मीद जताया है, फिर से दोस्तों उम्मीद नहीं चाहिए दोस्तों, हमें परिणाम चाहिए, हमारी रिज़ल्ट चाहिए, जल्द से जल्द हमारी रिज़ल्ट निकालिए। क्योंकि दोस्तों लगभग ये 2 साल होने जा रहे हैं भर्ती को, पर अभी तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। तो दोस्तों फिर से अगर 20 तारीख को नहीं आती है तो प्रकाश जी फिर से प्रकाशगढ़ के एमएसडीसीएल कर्मचारी के सामने फिर से एक महा आंदोलन करने वाले हैं और महा आंदोलन में आप जरूर शामिल होइएगा, आपकी रिज़ल्ट को लेकर जरूर शामिल होइएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो जो है वो नोटिस दिखाता हूँ और नोटिस में स्टेप बाय स्टेप क्या लिखा हुआ है पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा रहा हूँ। नोटिस दिखाने के लिए आप एमएससीडीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वो नोटिस देखिए।
विज्ञापन नम 04/2019 और 05/2019-1 के लिए प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन नम 05/2019 और 04/2019 के तहत क्रमशः उपकेंद्र सहायक और विद्युत सहायक के पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। मां सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न अदालतों में लंबित याचिकाओं के बाद सब सेंटर असिस्टेंट का पद SEBC को स्थानांतरित कर दिया गया है। श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों की बोर्ड वार चयन सूची प्रकाशित कर दी गई है और नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। तो साथ ही विज्ञापन नाम 04/2019 के अनुसार विद्युत सहायक के पद के लिए विज्ञापन जुलाई 2019 में प्रकाशित किया गया था। मां उच्चतम न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों में लंबित एक याचिका के बाद विद्युत सहायक भर्ती प्रक्रिया के परिणाम की घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले इस परिणाम के बारे में एक सार्वजनिक बयान MSEDCL की वेबसाइट पर 2 जुलाई 2020 को प्रकाशित किया गया था। 3. यह देखा गया है कि कई उम्मीदवार अक्सर टेलीफोन या व्यक्ति द्वारा MSEDCL या महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों या कर्मचारियों से इस बारे में पूछ रहे हैं। 4. कारण यह है कि उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपकेंद्र सहायक के पद की नियुक्ति के साथ साथ विद्युत सहायक के पद के परिणाम के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, तो उन्हें टेलीफोन नम पूछताछ कार्यालय के समय यानी सुबह 10:00 बजे से शाम 6:15 बजे तक 02224013505 पर की जानी चाहिए। इसके अलावा यदि आप केवल इस विज्ञापन के संबंध में कोई वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आपको इसे ईमेल msclicks@gmail.com पर प्रस्तुत करना चाहिए। यह सुविधा उम्मीदवारों की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से लागू की जा रही है। 5. भर्ती प्रक्रिया के बारे में उचित जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर समय समय पर प्रकाशित की जाती है। इस कारण से उम्मीदवारों को समय समय पर कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.mahadiscom.in पर जाना चाहिए। दिनांक 14 जनवरी 2021 हेलो मुख्य महाप्रबंधक मास